इस सब के बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है जो जिस खबर को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और वो खबर ये थी कि एक तरफ हम ये देख रहे हैं, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट खड़े नहीं किया। हालांकि ट्रेडिशनली ऐसा हो रहा है, लेकिन कांग्रेस का गेम प्लान क्या है? मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूं अपने दर्शकों को बताने के लिए, लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा क्या है अप्रत्यक्ष समझौते के मायने। अखिलेश यादव को मैनपुरी की करहल सीट पर कांग्रेस ने वॉकओवर दे दिया है, कांग्रेस ने वॉकओवर दे दिया है। शिवपाल यादव यहां पर चेंज करें, उनकी जसवंत नगर सीट पर भी कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं उतारा। नेक्स्ट, कांग्रेस ने करहल सीट पर उम्मीदवार घोषित किया था लेकिन नामांकन करने से रोक दिया। एसपी के रायबरेली अमेठी से उम्मीदवार नहीं उतारने के बाद कांग्रेस ने फैसला लिया। नेक्स्ट, एसपी 2009 से गांधी परिवार के खिलाफ अमेठी रायबरेली सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारती है। ऐसे में कांग्रेस ने भी मैनपुरी में मुलायम सिंह और आजमगढ़ में अखिलेश के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारा था। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने कन्नौज सीट पर भी डिंपल यादव के खिलाफ किसी को उम्मीदवार नहीं बनाया था। कांग्रेस एसपी के बीच दो दो सीटों पर हुए अप्रत्यक्ष समझौते के पीछे क्या कांग्रेस की 2024 की तैयारी है? क्या कांग्रेस अभी से 2024 लोकसभा का गेम प्लान तैयार कर रही है? क्या कांग्रेस 2024 लोकसभा में अमेठी और रायबरेली में एसपी की तरफ से वॉकओवर चाहती है? ये सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब मैं, सुशील जी अगर हमारे साथ जुड़ गए हो, सीधे उनके पास चलूंगा। सुशील जी, देखिए बयानों के बीच में एक खबर कल आई और इस खबर के मायने क्या हैं? क्या हम आने वाले समय में, और ये ट्रेडिशनली रहा है इसीलिए हमने वो बैकग्राउंडर भी बताया, लेकिन क्या हम आने वाले समय में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, अभी तो दो सीट्स पे ही दिखाई दे रहे हैं और वो एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट भी हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में उसमें कोई चेंजेस देख सकते हैं हम, कोई अलायंस के तौर पर? हाँ जी निशांत जी, अभी देखिए ये राजनीति का सिद्धांत है कि जब भी कोई राजनीतिक दल सत्ता में होता है, लंबे समय से सत्ता में होता है, तो उसको आगे से सत्ता में रोकने के लिए कई दल एकजुट हो जाते हैं। और भारतीय राजनीति में भी लगातार ऐसी प्रवृत्तियां देखी गई हैं कि ऐसा लगातार अलायंस होते रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि शत्रु का शत्रु हमारा मित्र होता है जी। तो इस राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत कई राजनीतिक दल इसको इस रूप में देख रहे हैं कि आने वाले भविष्य में उत्तर प्रदेश की राजनीति से लेकर केंद्र की राजनीति में किस प्रकार से नए समीकरण उभरेंगे। खासतौर पर जैसे भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश और केंद्र में दोनों में सत्ता में है, तो उसके खिलाफ जितने ऐसे एक दल हैं, भले ही उनकी विचारधारा अलग अलग है, लेकिन अभी वे भाजपा के खिलाफ संगठित होने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक बात बताइए, संकेत भी आप क्या इन दो सीटों से ही सही, लेकिन इन दो सीटों के साथ क्या एक मैसेज गया है जनता के बीच कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक ही है? ये निशांत जी, ये एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने का प्रयास है कि हम आपके जो प्रमुख नेता हैं, हम उनके विरुद्ध नहीं हैं, हम चाहते हैं कि वो सदन में आएं। और यह एक तरह से भविष्य का संकेत ज्यादा है कि भविष्य में हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, भले ही हम राजनीति में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं, चुनाव एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी जो भविष्य की संभावनाएं हैं वो बनी हुई हैं। समझ गया, ठीक है। यह एक प्रकार से यह मनोवैज्ञानिक मामला ज्यादा है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।